सो हेलो एवरी वन, दिस टॉपिक इज़ फॉर द क्लास 8th, डिवीज़न मेथड स्क्वायर रूट। हमने स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे। स्क्वायर रूट के अंदर हमने फर्स्ट एंड सेकेंड मेथड दोनों पढ़ लिए थे। फर्स्ट मेथड था प्राइम फैक्टर मेथड एंड द सेकेंड मेथड वॉज दैट सब्ट्रैक्शन मेथड, रिपीटेड सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड। मतलब बार बार हमने रिपीट सब्ट्रैक्शन किया और उसके बाद में जितनी नंबर ऑफ स्टेप्स निकली वही क्या निकला, उसका स्क्वायर निकला। ठीक है, सो नाउ स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय द डिवीजन मेथड। ओके, कोई भी संख्या हम लेंगे 4489, राइट। फर्स्ट नंबर इज 4489 और अब इसे हम किससे सॉल्व करेंगे, डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। अभी डिवीजन मेथड हमने पढ़ा, अभी क्या होता है कि हमेशा क्या करेंगे, हम इसकी पेयरिंग से स्टार्ट करते हैं। बच्चों को ये बहुत टफ मेथड लगता है, सो इसे बहुत ध्यान से समझे, इजीली समझ में आ जाएगा। हमेशा स्टार्ट करते हैं पेयरिंग से। पेयरिंग किस तरीके से, लाइक ये दिया है आपको 4489, पीछे से पेयरिंग बनानी स्टार्ट करते हैं। दो दो की बनाते हैं हमेशा, पेयरिंग बना ली 89 और 44 की। अब इसके बाद में हम लगाते हैं इस तरीके का कुछ साइन, थोड़ा सा गैप करके लगाते हैं। ये मैंने लगा दिया, ठीक है। अब मुझे ऐसा बताओ, और आप चाहो तो इसके ऊपर ऐसे भी लगा सकते हो ताकि हम लिख सकें कि कितनी बार हमारा क्या बन रहा है, ठीक है। अब ऐसे कोई संख्या का स्क्वायर बताओ जो लगभग 44 या 44 के आसपास आता हो। सोचिए क्या आता है, अगर हम 2 का स्क्वायर करें 4, 3 का स्क्वायर करें 9, नहीं 4 का स्क्वायर करें 16, 5 का करें 25, 6 का करें 36, 7 का करें 49, 49 ज़्यादा हो गया, मतलब 6। तो यहाँ पर लिखो 6 और यहाँ पर भी लिखो 6, 6 6 36, क्या आता है यहाँ पर 36, मतलब स्क्वायर आता है। तो मतलब ऐसी कोई संख्या लेनी है आपको जो उसका स्क्वायर मतलब एक संख्या से कम हो। 7 का क्या हो गया 49, 49 ज़्यादा हो जाएगा, घटेगा नहीं, तो इस वजह से क्या करना है हमें, ये इस तरीके से लिखना है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। किसको, 44 में से 36 को माइनस करने पर कितना बचता है, 8 बचेगा। कितना बचता है 8, बाकी को एज इट इज़ उतार लीजिए, अगले जोड़े को मैंने उतार लिया। इधर देखिए, इसमें क्या करना होता है मुझे, सेम संख्या इसको ऐड करनी होती है। जिस संख्या से मैंने स्क्वायर निकाला था उस संख्या को सेम ऐड करके उसका लिख दो 12। लिख दिया 12। अब बताइए यहाँ ऐसी कौन सी संख्या राइट करूँ मैं, यहाँ ऐसी कौन सी संख्या राइट करूँ जिसको उससे मल्टीप्लाई करने पर ये चीज़ मुझे मिले। सोचिए ऐसी कौन सी संख्या राइट करूँ मैं कि जिसे यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिले, वो सेम मिले। अब देखो सबसे पहले मतलब यहाँ ऐसा है, मतलब ये कि इस 12 में इस जगह में क्या लिखूँ कि इस संख्या से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ जो आएगी ना, यहाँ जो उतरेगी ना सेम यहाँ पर भी वही उतरेगी। तो मतलब इस पूरी संख्या को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा एडिट नहीं ना जाए। समझ आ रहा है, एक क्वेश्चन में समझ में नहीं आया, 2-3 में आ जाएगा। किससे मल्टीप्लाई करूँ, अब पता है 9 तो तभी आता है यूनिट डिजिट, 3 मल्टीप्लाई हो, मतलब यहाँ 3 हो, यहाँ 3 हो, तो 9 आ सकता है। 3 रख के देखूँ, यहाँ मान लो मैं 3 रख के देख लूँ, एक पल के लिए रख के देख रही हूँ, तो 123 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या ये संख्या आ रही है, 3 3 9, 3 2 6 एंड 3, ये तो नहीं आ रही, मतलब 3 तो नहीं आएगा। अब बताओ, अब 9 किस में आता है, एक और डिजिट में आता है, तो 3 में आता है, फिर 7 में आता है, 7 रख के देखूँ तो यहाँ पर भी 7 से मल्टी, क्योंकि यहाँ 7 है तो यहाँ पर भी 7 आएगा, रख के देखूँ 4 7 7 जब 49, 9 आ गया कैरी आया 4, 7 2 14 और 4 18 का 8 आ गया कैरी आया 1, 7 1 7 और 1 8 आ गया, मतलब यहाँ पर क्या संख्या आने वाली है 127 और 7, तो ये क्या मिल के आ जाएंगे 889। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा 0। अगर यहाँ 0 नहीं, अभी ख़त्म हो गया यहाँ 0, अब इसका जो आंसर आया है, जो आपका स्क्वायर आया है वो क्या है 67। ये 67 वो संख्या है जिसका स्क्वायर है ये। उल्टा करके देख लो, अगर आपको चेक करके देखना है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे डाउट है, मैं गलत भी हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, तो आप क्या करके देख लो, इसका मल्टीप्लाई करके देख लो,
67 मल्टीप्लाई 67 करके देख लो, अगर ये संख्या वापस आ रही है मतलब आपका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम, ये था चार संख्याओं का, अब हम करेंगे 5, 7, 1, 2, 8, 9 किसका करेंगे हम, 7, 1, 2, 8, 9 का करेंगे। अब देखो इसके लिए मैं क्या डिवीजन मेथड अप्लाई करूं, मैंने बनाया हमेशा क्या, एक डिवाइड वाला पार्ट बनाया, ठीक है, इस तरीके से गैप कर दिया, पैरिंग बनाओ। सबसे पहले हमेशा दो से स्टार्ट करते हैं, इधर से चलते हैं राइट की तरफ से, दो की पैरिंग हो गई, फिर दो की हो गई, अभी अकेला बच गया तो इसके अकेले की पैरिंग रह जाएगी, ठीक है। हमेशा राइट साइड से चलते हैं, लास्ट में से दो दो की पेयरिंग बनानी होती, जोड़े में लाना होता है, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, अब ये बेचारा अकेला रह गया। सम का तो हमेशा जो इवन नंबर होंगे उनका तो जोड़े बन जाएंगे, देखो ये दो हो गया, दो हो गया, जो पांच डिजिट की होगी उनके जोड़े नहीं बनेंगे, वो हमेशा एक अकेला रह जाएगा उसमें से, तो मेरा 7 अकेला रह गया। अब देखो ऊपर स्क्वायर की संख्या लिखनी है तो उसके लिए जगह छोड़े हम, अब बताओ सबसे पहले करेंगे हम 7 को सॉल्व, क्योंकि सबसे पहले क्या होगा 7 सॉल्व होगा। अब इस 7 में मुझे बताओ ऐसी कौन सी संख्या लिखूं जिसका दोनों को मल्टीप्लाई करने पर या उनका स्क्वायर 7 से कम आना चाहिए। दो से स्टार्ट करूं, 2 2 जा 4 7 से कम है, फिर दो के बाद में कहता है 3 3 3 जा 9 9 7 से ज़्यादा हो गया, मतलब 3 भी नहीं आएगा, मतलब 2 ही आएगा, तो यहाँ लिखो 2, तो यहाँ भी लिखो 2, 2 × 2 क्या आया 4, अब 4 7 में से 4 गए तो कितना बचता है 3। क्या करना है अब अगला, जोड़ा उतारना है, सारा नहीं उतारना होता, सिर्फ अगला जोड़ा, जैसे डिवाइड में करते हैं ना हम नेक्स्ट पेयर उतारते हैं, इसमें डायरेक्ट जोड़ा उतरता है, उतर गया जोड़ा तो 12 है अगला जोड़ा तो उतर गया। अब देखो मैंने बताया था जो संख्या यहाँ लिखी है सेम संख्या इसमें जोड़ दो और उसको नीचे लिख दो, मैंने 2 में 2 जोड़कर क्या लिख दिया नीचे 4 लिख दिया। अब मैं क्या करूं, या अब ऐसी किस संख्या से मल्टीप्लाई करूं यहाँ पर कि मेरे को 312 मिल जाए, हो सकता पूरा मिल जाए, नहीं तो नहीं मिले। अब बताओ किस संख्या को मल्टीप्लाई करने से सेम हमेशा 2 आता है, या तो हमेशा किससे आता है, किस किस का स्क्वायर होता है हमेशा 2, हमें 2 जब भी स्क्वायर कभी आता ही नहीं है, सही बताऊं तो, क्योंकि जो लास्ट में जब भी आपने स्क्वायर अगर पढ़ा हो, हमने रूल पढ़ा था कि लास्ट में जब भी 2 आता है कभी वो कभी किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, क्योंकि स्क्वायर में हमेशा क्या मिलता है 5, 6, 9, 4, 1, 6, 9, 4, 1 कहीं 2 दिख रहा है क्या, मतलब ये संख्या तो किसी की स्क्वायर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है ऑलरेडी 2 आ रहा है। तो अब क्या किया जाए, कोई ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करके देखें हम जो थोड़ा इससे नीचे हो, क्या करें हम, अगर 1 से करके देखती हूँ 1 यहाँ 1 रखो तो 41 बनेगा, ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, 2 रख के देखूँ 42 × 2, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8 तब भी 84 बन रहा है, बहुत छोटा ये तो, 3 रख के देखूँ 3 रख के देख लो 3 3 जा 9 3 4 जा 12 ये भी बहुत छोटा है, 4 रख के देखूँ कितना बनेगा 4 4 जा 16 केरी आया 1 4 4 जा 16 1 17 बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं, थोड़ा बड़े में भाग देकर देखते हैं, 7 से करके देख ले एक बार, 7 7 जा 49 केरी आया 4 7 4 जा 28 28 और 4 कितना हो गया 32 ये ज़्यादा हो गया, मतलब कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, 6 रख के देखूँ 6 × 6 6 6 जा 36 का 6 केरी आया 3 6 4 जा 24 होते 27 ये आ गया 6 टाइम जाएगा, तो मतलब वो संख्या मुझे यहाँ 6 रखनी है। अब इस 46 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो कितना आया 276। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें तब जाकर आएगा, बहुत सारे बच्चे हो सकता कंफ्यूज हो रहे हो, पजल हो रहे हो, पजल होने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार उसको सीखे मन से सीखे तब अपने आप ऑलरेडी ये आपको आ जाएगा। क्या किया मैंने, आप पहला स्टेप देखो ध्यान से, हमें पहले मैंने ये डिज़ाइन बनाया उसके बाद में पैरिंग करी, हमेशा पैरिंग राइट से करनी है, दो दो की पैरिंग बनानी है, ठीक है, जो बच गया कोई बात नहीं। अब हमेशा अगर जो भी संख्या आगे लिखी है ऐसी कोई दो संख्या सेम मल्टीप्लाई करो या स्क्वायर करो कि जो इससे कम आए, बिल्कुल ज़्यादा जैसे हो रहा हो तुरंत एक नंबर कम ले लो, हमने करके देखा 3 3 9 ज़्यादा हो रहा था तो हमने 2 ही लिख कर देख लिया,
टू टू जब फोर मैंने लिख दिया, घटा दिया, थ्री आया। अगला पेयर उतारा मैंने, 12 उतार दिया। सेम संख्या को जोड़ दो, और जोड़ने पर यहाँ उसको एज इट इज उतार दो, 4 उतार दिया। अब चक्कर पड़ रहा है कि बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो रहे होंगे। करना क्या होता है, जो संख्या आप यहाँ लिखने वाले हो ना, वही आपको यहाँ लिखनी होती है। मतलब अभी अब कैसे सेट कर के देखना है, 4 जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखोगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर करके देखो, इससे कम आना चाहिए। 46 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, कर करके देखना होता है। हमने कर करके देखा तो ये पता चल गया। अब घटाओ इसमें से, 12 में से 6 गया तो 6 बचता है, क्या रह गया यहाँ पर, 0, क्योंकि 1 घट गया ना। अब 10 में से 7 गया तो कितना बचता है, 3, 36 बचता है। ये तो कुछ नहीं बचेगा मेरे पास, कितना बचता है, 36। अब ध्यान से देखो, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर मैं ऐसा क्या करूँ कि मतलब मेरा जो नंबर है वो किस तरीके से आए। अब मैंने बोला था कि आपको क्या ऐड करना होता है, सेम प्रोसेस, ये घटा लिया। अब यहाँ पर क्या आएगा, जो इसमें ऐड करूँगी, यहाँ पर क्या था, सेम संख्या। किस नंबर को लिखा था अपने, सेम 6 को लिखा था ना, इसमें 6 ऐड करना होता है। मतलब जिसको आपने सोच के लिखा है ना, वो ऐड करना होता है। यहाँ 46 नहीं जोड़ेगा, यहाँ पर 2 क्यों जोड़ा, क्योंकि 2 आपने सेम लिखा था। क्या जोड़ेगा यहाँ पर, 6, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 52 आ जाएगा। अभी ऊपर का जोड़ा रह गया, जोड़ा नहीं उतारा आपने, 89 उतारो यहाँ पर, तो 3689। अब देखो मैं यहाँ पर 52 में यहाँ क्या संख्या रखूँ और यहाँ क्या संख्या रखूँ कि जो मुझे क्या दे दे, ये दे दे। अब देखो 9 कैसे बनता है, हो सकता हो इतने भी 9 आ रहा है, मतलब 6941, मतलब जो अगर 9 आ गया, अगर पीछे, तो पक्का इसका पूरा पूरा क्या निकल रहा है, स्क्वायर निकल रहा है। तो देखो 9 या तो 3 में आता है, या हमेशा किस में आता है, 7 में आता है। तो या तो यहाँ पर ऐसे होगा 5 2 3 × 3 होगा, या फिर 5 2 7 × 7 होगा। पहले करके देखो, 3 3 9, 3 2 6, साफ दिख गया नहीं हो रहा ये तो। इसको करके देखो, 7 7 49 कैरी आया 4, 7 2 14 और 4 कितना आ गया, 18 कैरी आया 1, 7 5 35 और 1 36 आ गया, 3 6 8 9। तो वो संख्या क्या है यहाँ पर, 7, और यहाँ पर भी क्या, 7, क्या आ गया, 3 6 8 9, क्या बच गया, ये 0, खत्म हो गया आपका। अब बताओ इसका आंसर क्या है, 267। क्या इसकी वो स्क्वायर रूट, 7 1 2 8 9 का अगर स्क्वायर रूट क्या है आपका, 267। ये आपका आंसर है जो ये वाला, ठीक है, बहुत ही इजी है। एक बार मैं इसको यहाँ से समझा देती हूँ दोबारा, कि ये तो आपने 2 प्लस करके लिख दिया, यहाँ वो संख्या लिखनी होती है जो भी यहाँ पर भी आएगी। इसको, इस पूरी संख्या को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ, तो या तो इससे कम या इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या जोड़ना होता है, सेम वही संख्या जोड़नी होती है। अगर मान लो अगर एक और पेयर होता तो क्या करती मैं, एक और स्टेप बढ़ जाता। अगर मान लो उसमें मुझे कुछ जोड़ना होता तो मैं क्या करती, अगर यहाँ पर एक और पेयर आता तो 7 को जोड़ती, क्योंकि मैंने 7 7 7 लिखा है ना, तो यहाँ पर जोड़ता 7, ठीक है। अभी कोई ज़रूरत नहीं है जोड़ने की, क्योंकि 0 आ गया मेरा, जब तक 0 नहीं आएगा हमें चलते जाना है। तो ये होता है आपका डिवीज़न मेथड। सो आपको अपनी 3.5 एक्सरसाइज कर लेनी है इस डिवीज़न मेथड से। उसके बाद में आती है आपकी 3.6 एक्सरसाइज, कि हम इसमें क्या करें, अब विदाउट कैलकुलेशन ये फाइंड आउट करना कि कितने डिजिट की संख्या आएगी। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 576, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है हमें पता है, 24, क्योंकि या फिर 625 ले लो, 625 इसका स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर रूट क्या होता है, 25, हमें ये पता है क्योंकि ये नॉन है हमारे लिए। लेकिन ये कह रहा है कि बिना कैलकुलेट करे आपको सिर्फ डिजिट बतानी है, तो ये बताना है कि 625 एक संख्या थी, इसका स्क्वायर रूट निकालो तो कितने डिजिट का आएगा, 2 डिजिट का, बस ये पता करना है आपको। अब वो कैसे, बिना सॉल्व किए मुझे ये कैसे पता होगा कि कितने डिजिट का आएगा, उसके लिए देखो। इसे मान लो कोई 2 संख्या है, 3 संख्या है, कोई 4 संख्या है, और कोई 5 टाइप की संख्या है। हमेशा क्या करना होता है, देखो अगर जोड़े बनाऊँ तो इसमें ये जोड़ा बनता है, अगर मैं रूट निकालूँ तो इसका रूट निकालूँ तो क्या जोड़े बनेगा, 2 का फिर 1 का, इसमें निकालूँ तो क्या बनेगा, 2 का और 2 का, इसमें निकालूँ तो क्या बनेगा, 2 का फिर 2 का फिर 1 का, ये जोड़े बनते हैं। तो बताओ नंबर ऑफ बार कितने आए, कैसे पता करना है, 1 बार यहाँ पर, 2 बार यहाँ पर, 2 बार यहाँ पर,
तीन बार, ये पता करना है कि बार कितनी बार आया। ठीक है, अब देखो जितने बार होंगे ना उतने ही क्या निकल के आएगा, स्क्वायर निकल के आएगा। अगर किसी पे एक बार लगा है तो किसका, एक ही संख्या का स्क्वायर है, एक डिजिट की संख्या का। अगर उस पर दो बार लगे तो दो डिजिट का है। अगर मुझे इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कितने डिजिट का होगा, पहले बार लगाऊं, पेयरिंग बनाऊं, एक बार दो बार पक्का दो डिजिट का होगा। और मुझे पता है 32 का होता है, ये हो गई दो डिजिट। बस ये पूछ रहा है कि बिना कैलकुलेशन किए हुए आपको सिर्फ संख्या देख के बता देना है कि कितने डिजिट का आंसर आएगा। पहली संख्या लिखी हुई 36,864, पहला क्वेश्चन है आपका, तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, कितनी पेयरिंग, तीन बार, कितने डिजिट का आंसर आएगा इसका, तीन डिजिट का स्क्वायर रूट आएगा, बस ये बताना है आपको।